नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ दो, राजा का न्याय। आइए शुरू करें। प्रजा मन से उसी को अपना राजा मानती है जो उनके हित का ध्यान रखता है, सुख दुख में सदा साथ देता है, न्याय करता है। राजा वीरबाहु को भी प्रजा इसलिए प्यार करती थी कि वह सबसे समानता का व्यवहार करता था। ऐसी क्या बात हुई कि हमें इस कहानी का नाम राजा का न्याय रखना पड़ा? आइए जानते हैं इस कहानी में। उच्चारण अभ्यास। सुमति, स्थान, झोपड़ी, घमंड, लकड़िया, परिश्रम, पश्चाताप। पाठ को शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है, काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह बहुत सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। तो एक पैराग्राफ हम समझाते हैं आपको। पुराने ज़माने की बात है, काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था और वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और उसकी मतलब काम का चारों तरफ चर्चा था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और अधिक लाड़ प्यार के कारण वह घमंडी थी। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। स्नान करके लौटते समय रानी ने के हाथ पैर ठिठुरने लगे। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने अपने सखियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापे। गंगा स्नान करके लौटते समय रानी के हाथ पर ठंड से ठिठुरने लगे थे। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी और अपने सखियों से क्या कह रही है, चलो इसको जलाकर हम हाथ पैर तापते हैं। एक सहेली ने कहा, महारानी यह किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं है। उनकी एक सहेली ने क्या कहा, महारानी यह झोपड़ी किसी गरीब की है, इसे जलाना ठीक नहीं है। रानी ने कहा, चार दिन को की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या, नहीं बनवा देंगे। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी। हाथ पाँव ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट गई। रानी ने क्या कहा, चार तिनकों की तो झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या होगा, हम नहीं बनवा देंगे। और हाथ पाँव को आग तपा करके अपने राजमहल लौट गई। वह झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। जब उस गरीब को पता चला कि रानी ने तापने के लिए उसकी झोपड़ी जला डाली है तो वह बहुत दुखी हुआ और फरियाद लेकर राजा वीरबाहु के पास पहुंचा। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महारानी सुमति ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी है। जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी झोपड़ी रानी ने जला दिया है तो वो शिकायत लेकर किसके पास पहुंचा, राजा के पास। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, तुमने यह क्या किया, एक गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? रानी सुमति ने तुनक कर जवाब दिया, चार तिनकों की झोपड़ी के लिए इतना तूफान, जला दी तो क्या हुआ, नहीं बनवा दूंगी। जब राजा ने रानी को बुलाकर पूछा कि तुमने ये गरीब की झोपड़ी जला दी है तो रानी ने गुस्से में बोला, इन चार तिनके की झोपड़ी के क्या है, मैं तो नया बनवा दूंगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी यह मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो, तुमने गरीब का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया है।
राजा ने कहा, रानी तुम ये मत भूलो कि तुम एक राजा की पत्नी हो और तुमने गरीब का घर जला करके उसको बेघर कर दिया है। तुम्हें इस गलती का दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी और वह भी अपनी मेहनत से। जब तक तुम अपनी मेहनत से वह झोपड़ी नहीं बना दोगी, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती हो। राजा ने कहा, रानी अब तो तुम्हें इसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। जब तक उस गरीब की झोपड़ी बनाकर तुम दे नहीं दोगी, तब तक महल में नहीं रह सकती हो। रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रानी का घमंड चूर चूर हो गया था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से लकड़ियाँ बीनकर बेचने लगी। सर्दी गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना उसने एक वर्ष तक जी तोड़ परिश्रम किया। जो पैसे मिलते उनमें से आधे पैसे बचाती और आधे में अपना खर्चा चलाती। बचे पैसों से उसने झोपड़ी तैयार करवा दी। रानी ने कमर कस लिया। कमर कसना मतलब तैयार होना। और सर्दी गर्मी बरसात का परवाह ना करते हुए भी उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, मेहनत किया और लकड़ी बेच करके आधे पैसे से अपना घर का खर्चा चलाती थी, आधे पैसे में उस गरीब की झोपड़ी तैयार करवा दी, बनवा दिया उसने। अब उसे समझ में आ गया कि गरीबी क्या होती है और चार तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीब के लिए कितना कठिन होता है। उसने गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी। अब रानी को समझ में आ गया था कि गरीबी क्या होती है ना, और चार तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीबों के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है और ब्राह्मण से क्या किया उन्होंने, क्षमा मांगा। अब रानी का मन सरल हो गया था। महाराज वीरबाहु महारानी के परिश्रम और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए और वे महारानी को आदर सहित राजमहल ले आए। अंत में महाराज वीरबाहु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी रानी का कठिन परिश्रम देखकर खुश हुए और उसको आदर सहित अपने राजमहल में ले आए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और सारांश आप अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।